छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासत जारी है। राज्य में आरक्षण कम होने को लेकर बीजेपी 3 संभाग दुर्ग सरगुजा और बस्तर में 8 अक्टूबर को चक्का जाम आंदोलन करेगी। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले बीजेपी 3 संभाग में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के चक्का जाम आंदोलन पर निशाना साधते हुए सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम आदिवासियों की हक लड़ाई लड़ रहे हैं। साल 2012 से साल 2018 तक रमन सिंह ने क्या किया? सीएम बघेल ने कहा कांग्रेस सरकार आने के बाद जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की भी बात कही गई है, जिसका जितना हक है वह मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी बताए आरक्षण मामले में उनकी नीति क्या है। निर्देश आ गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति को उसके जनसंख्या के अनुसार उनको उतना प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, लेकिन रमन सिंह 2005 से लेकर 2011 तक के रोक लगा कर रखे थे। 2011 में जब आंदोलन हुआ तो 2012 में उन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन लिया और उसके बाद लोग कोर्ट गए और कोर्ट में स्टे लिया राज्य सरकार ने। उसके बाद उन्होंने 6 साल उनको मौका मिला, 12 से लेकर 18 तक,